इस वीडियो में हम लोग राम मंदिर के इस 500 सालों के संघर्षों की कहानी को जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1528 में मुगल शासक बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को हिंदू मंदिरों पर अटैक करने का ऑर्डर दिया और मीर बाकी ने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। मीर बाकी ने जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा उसमें से एक प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या का राम मंदिर भी था। बाबर ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। यूरोप के जियोग्राफर जोसेफ टिफेन थिलर अपनी बुक डिस्क्रिप्टो इंडिया में लिखते हैं कि ये बाबरी मस्जिद रामकोट मंदिर को तोड़कर बनाया गया था जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। पर इसको लेकर हिंदुओं द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। बहुत सालों तक यहाँ शांति देखने को मिली पर हिंदू अभी तक अपने राम मंदिर को नहीं भूले थे। सन 1853 में पहली बार राम मंदिर को लेकर रिलीजियस वायलेंस देखने को मिलती है जब अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन में निर्मोही जो एक हिंदू संप्रदाय था वो दावा करती है कि बाबर के काल में मस्जिद बनाने के लिए हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। सन 1857 में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंतों ने बाबरी मस्जिद के पास एक चबूतरा बनाया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू वहां प्रार्थना करते थे। हिंदू और मुस्लिम में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को बीच में आना पड़ा। ब्रिटिशरों ने बाबरी मस्जिद और उसके बाहर बने राम चबूतरों को दो हिस्सों में बांट दिया और फेंस खड़ी करके दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर नमाज करने की अनुमति दी गई और बाहर वाले एरिया में हिंदुओं को पूजा करने के लिए सौंप दिया गया। जनवरी 1885 में यह विवाद पहली बार कोर्ट गया। 1885 में महंत रघुवीर दास ने मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरा पर एक छतरी के निर्माण की मंजूरी के लिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 1944 में सुन्नी वक्फ के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में यह जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उसके 2 साल बाद 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति पाई गई। गोपाल सिंह विश्राद ने फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया कि हिंदुओं को उनके रामलला की पूजा करनी दी जाए, जबकि वहां के एक मुस्लिम हाशिम अंसारी ने भी कोर्ट को कहा कि मूर्ति को मस्जिद से हटवा देना चाहिए। इसको लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया। मस्जिद के अंदर नमाज बंद हो गया लेकिन मस्जिद के बाहर राम चबूतरा और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा डेली हो रही थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी रामलला की मूर्ति वहीं रहे इसके लिए फैजाबाद कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया। इसके जवाब में 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन समय बीतता गया, अर्जियां याचिका दायर होती रही। 1980 में संघ परिवार से संबंधित VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस विवादित जगह को पाने और यहां रामलला के लिए एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। 1986 में HS दुबे की याचिका पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित मस्जिद से ताला हटवाने का ऑर्डर दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी, जिसका विरोध करने के लिए मुसलमानों ने बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी बनाई। आगे जाकर 1989 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पेंडिंग टाइटल सूट अपने हाथ में ले लिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने VHP को मस्जिद के बाहर मंदिर की नींव रखने के लिए शिलान्यास करने की अनुमति दे दी, जिसके वजह से बहुत जगह पर कम्युनल वायलेंस देखने को मिला जिसमें बहुत लोगों की जान गई। सितंबर 1990 में VHP, RSS और BJP ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान चलाया और उस टाइम के BJP अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। एक बड़ी भीड़ उनके समर्थन में जुड़ गई जिसे कार सेवक बोला जाने लगा। 30 अक्टूबर 1990 को UP के CM मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के लिए सभी ट्रेन और बस को बंद करवा दिया, लेकिन कार सेवकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे वहां पैदल पहुंचे और कुछ तो सरयू नदी तैर कर आए। वे सभी विवादित ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम रही और कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया और फिर सरकार के आदेश पर पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। चारों तरफ भगदड़ मच गई, फायरिंग से 5 लोग मारे गए। 2 नवंबर 1990 को फिर से कार सेवकों ने मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फिर से फायरिंग की। पुलिस ने कार सेवकों का पीछा गलियों में किया। बहुत सारे कार सेवकों को मोही मार दिया गया जिसमें कोठारी ब्रदर्स भी शामिल थे। 1991 में सत्ता का खेल पलटा। PV नरसिम्हा राव भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बने और यूपी में कल्याण सिंह नए CM बने, पर यूपी में स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। 6 दिसंबर 1992 को RSS, VHP और कार सेवक
पेपर ने एक रैली का आयोजन किया। इस भीड़ ने बाबरी मस्जिद को कुल्हाड़ी छेनी हथौड़ी से तोड़ गिराया। इस घटना के बाद मुंबई, गुजरात, कानपुर, दिल्ली और अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे देखने को मिलते हैं। इन दंगों में ऑलमोस्ट 2000 लोग मारे जाते हैं। कई सालों तक कोर्ट में अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद चलता रहा। 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित ढांचे पर सर्वे शुरू किया। इस सर्वे में हिंदू मंदिर के बहुत सारे एविडेंस पाए गए। सन 2010 में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तिहाई हिस्सा रामलला के लिए हिंदू महासभा को, एक तिहाई हिस्सा मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक तिहाई हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को सौंप दिया गया। लेकिन तीनों इस फैसले से राजी नहीं होते हैं। तीनों पार्टियों ने विवादित जमीन के बंटवारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। कई सालों तक सुनवाई चलती रही और तब जाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादित जमीन पर फाइनल वर्डिक्ट सुनाई, जिसमें पूरा विवादित जमीन रामलला के नाम कर दिया गया और मोदी सरकार को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने को कहा जो यहां मंदिर का निर्माण करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ लैंड देने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। 7 फरवरी को सरकार ने राम मंदिर जमीन से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे देती है। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि पूजन किया और मंदिर की नींव रखी। उसके 3 साल बाद 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन और प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। तो दोस्तों, 1528 में राम मंदिर गिराने के 496 साल बाद अयोध्या में अब फिर से राम मंदिर बन गया। 496 साल का संघर्ष और हजारों लोगों का अपने प्रभु श्री राम के प्रति बलिदान व्यर्थ नहीं किया। बाकी अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि राम मंदिर के इस संघर्ष की कहानी आप तक पहुँची होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।